हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि फायर डिटेक्टर क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, हीट डिटेक्टर क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, और फ्लेम डिटेक्टर क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो फायर डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके कारण हम फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका जो सिग्नल है वो अलार्म सर्किट तक प्रोवाइड कर सकते हैं। फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है फायर के स्मोक से, यानी कि फायर से निकलने वाली जो स्मोक है उससे, या फिर फायर से निकलने वाली जो भी फ्लेम है उससे, या फिर फायर से निकलने वाली जो भी हीट होती है उससे फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है, या फिर ये तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से भी फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फायर डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है फायर को और उसका जो सिग्नल होता है वो अलार्म सर्किट तक प्रोवाइड करता है। चलिए अब जानते हैं कि फायर डिटेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या है। तो सबसे पहला जो फायर डिटेक्टर का जो टाइप आता है वो होता है स्मोक डिटेक्टर। फिर उसके बाद दूसरा जो टाइप आता है वो है हीट डिटेक्टर। और फिर उसके बाद थर्ड जो टाइप आता है वो है फ्लेम डिटेक्टर। अब जानते हैं कि ये जो तीनों टाइप्स है फायर डिटेक्टर्स के, तो इनके भी टाइप होते हैं तो वो क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मोक डिटेक्टर के क्या टाइप्स होते हैं। तो स्मोक डिटेक्टर का पहला टाइप आता है वो है आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। फिर उसका सेकंड टाइप आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है उसके भी दो टाइप है। तो उसका टाइप वन है लाइट ऑब्सकरेशन और दूसरा टाइप है वो है लाइट स्कैटरिंग। फिर उसके बाद आता है हीट डिटेक्टर। तो हीट डिटेक्टर की भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है फिक्स टेम्परेचर डिटेक्टर। फिर उसके बाद सेकंड टाइप आता है वो है रेट ऑफ राइज डिटेक्टर, जिसे हम ROR भी कहते हैं। और फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है फ्लेम डिटेक्टर। तो उसके भी दो टाइप आते हैं। तो उसका सबसे पहला टाइप है इंफ्रारेड डिटेक्टर, यानी कि जिसे हम IR कहते हैं, और दूसरा है अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर, जिसे हम UV कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो स्मोक डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सेंस करता है विजिबल हो या फिर इनविजिबल स्मोक हो उसको, और वो जो स्मोक है वो जनरेट होता है फायर से। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आग लगने के बाद उस आग से जो भी विजिबल या फिर इनविजिबल स्मोक निकलता है तो उस स्मोक को डिटेक्ट करने का जो काम है वो स्मोक डिटेक्टर करता है। अब इस स्मोक डिटेक्टर के दो टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप आता है आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर और दूसरा टाइप आता है फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। अब ये आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर क्या है, तो चलिए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो आयोनाइजेशन टाइप जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हो वो उसको प्रोड्यूस करता है। और वो जो स्मॉल अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो होता है दो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो प्लेट है उसके बीच में। फिर उसके बाद जब एयर उसमें जाती है तो वो एयर को आयोनाइज करता है, और इस आयोनाइजेशन की वजह से वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों जो प्लेट है उसके बीच में करंट जो है वो फ्लो होता है। फिर जब इस चेम्बर के अंदर जब स्मोक इंटर होता है तो वो क्या करता है कि ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है तो उसका जो फ्लो है उसको वो डिस्टर्ब करता है, उसको वो खराब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो करंट का जो फ्लो होता है जो उसके अंदर चलते रहता है वो कम हो जाता है। और जैसे ही उसका करंट फ्लो कम हो जाता है तो वो अलार्म को एक्टिवेट कर लेता है। और ये जो आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर होता है ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है फ्लेमिंग जो फायर्स है उसमें। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप इमेज वन देख रहे हो तो उसमें एक बैटरी है जिसका एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरा जो प्लेट है वो निगेटिव है, और ये जो दोनों प्लेट है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट है, और इन दोनों प्लेट के बीच में एक छोटे अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो वहां पर फ्लो कर रहा है। जैसे ही एयर वहां से पास होती है तो उस एयर को वो आयनाइज करता है, और उस आयनाइजेशन के कारण उन दोनों प्लेट के बीच में एक करंट फ्लो होता है। तो ये जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन हो जाती है।
फिर उसके बाद आप इमेज टू में देख सकते हो कि जब फायर का जो स्मोक है वो जब इस चेंबर में इंटर करता है तो वो जो फ्लो होता है आयंस का उसको वो डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और अलार्म जो है वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि एक लाइट सोर्स होता है जो लाइट बीम को इमिट करता है, और वो जो लाइट बीम होता है जो लाइट सोर्स से निकलता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है और दूसरे एंगल में लाइट सेंसर होता है। फिर जब फायर की वजह से जो स्मोक निकलता है और वो जो स्मोक जब चेंबर के अंदर इंटर करता है तो वो क्या करता है कि इस लाइट सोर्स से जो भी लाइट बीम निकलते रहते हैं तो उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट सेंसर की तरफ, और जैसे ही लाइट सेंसर उस रिफ्लेक्टिंग लाइट को डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है स्मोल्डिंग जो फायर होती है उसमें। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक साइड में लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट बीम जो है वो इमिट हो रही है और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में है, और उस लाइट सोर्स से दूसरे एंगल पर लाइट सेंसर है जिसका इस लाइट बीम से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, और ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन होती है। फिर इमेज टू में आप देख सकते हो कि जब ये स्मोक जो है वो इंटर करता है इस चेंबर के अंदर तो लाइट सोर्स से निकलने वाला जो भी लाइट बीम है जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसको वो क्या करता है कि उस लाइट बीम को वो रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो रिफ्लेक्शन है वो आता है लाइट सेंसर के ऊपर, और जैसे ही वो सेंस करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर जो है वो कैसे काम करता है। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर के भी दो टाइप होते हैं, उसमें सबसे पहला टाइप आता है लाइट ऑब्सक्यूरेशन और दूसरा टाइप आता है लाइट स्कैटरिंग। अब ये लाइट ऑब्सक्यूरेशन क्या है और लाइट स्कैटरिंग क्या है चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइट ऑब्सक्यूरेशन यानी कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड में सोर्स होता है और दूसरे साइड में डिटेक्टर होता है और उसके बीच में सेंसिंग चेंबर यानी कि स्पेस होती है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सोर्स से एक लाइट ट्रांसमिटेड होती है जो जाती है डिटेक्टर की तरफ, और डिटेक्टर जो है इस लाइट को रिसीव करता है और डिटेक्ट करता है, तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस नॉर्मल कंडीशन में अगर फायर का स्मोक अगर इस चेंबर के अंदर चला जाता है तो ये जो लाइट जो सोर्स से निकल के डिटेक्टर की तरफ जा रही है तो उसको क्या करता है वो ब्लॉक कर लेता है, यानी कि स्मोक के जो पार्टिकल्स है उस लाइट को जो सोर्स की तरफ से आ रही है उसको वो वहां पर ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि वो जो अमाउंट ऑफ लाइट जो सोर्स से निकलकर डिटेक्टर की तरफ जा रही थी तो वो कम हो जाती है, यानी कि डिटेक्टर को जो अमाउंट में लाइट मिल रही थी जो पहले वो कम हो जाती है, और ये जो सारी चीजें यहाँ पर जो हो रही है उसको सर्किट जो है वो मॉनिटर करते रहता है, और जब पर्टिकुलर उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अगर क्रॉस हो जाती है तो वहां पर अलार्म जो है वो जनरेट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइट ऑब्सक्यूरेशन यानी कि क्या होता है। जैसा कि आप इमेज वन में देख पा रहे हो कि एक सोर्स है वहां से जो लाइट है वो इमिट होकर डिटेक्टर की तरफ डायरेक्टली जा रही है, और डिटेक्टर जो है उस लाइट को रिसीव करके डिटेक्ट करता है। और इमेज टू में आप देख पा रहे हो कि जैसे ही ये स्मोक के जो पार्टिकल्स है वो उस चेंबर के अंदर जाते हैं तो सोर्स से निकलने वाली जो भी लाइट है जो डिटेक्टर की तरफ जाती है तो उसको वो वहां पर बीच में ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जो डिटेक्टर को मिलने वाला था जो पहले नॉर्मल कंडीशन में मिल रहा था तो वो कम वहां पर मिल जाता है। अब ये जो कम लाइट है जो डिटेक्टर को मिल रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन से तो ये जो है ये सर्किट मॉनिटर कर लेता है, और जैसे ही उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है तो वहां पर अलार्म जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये लाइट ऑब्सक्यूरेशन जो है वो काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि लाइट स्कैटरिंग यानी कि क्या होता है। तो इस टाइप के स्मोक डिटेक्टर में क्या होता है कि सोर्स से निकलने वाली जो भी लाइट है वो ट्रांसमिटेड होती है एरिया में, लेकिन वो जो लाइट है वो डिटेक्टर जो है वो नहीं देख पाता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि वो जो लाइट है जो सोर्स से निकल रही है उसको डिटेक्टर जो सर्किट है वो रिसीव नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता।
और स्मोकी कंडीशन में क्या होता है कि लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है स्मोक के जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जब ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्मोक पार्टिकल की वजह से, तो डिटेक्टर क्या करता है कि उस लाइट को रिसीव कर लेता है और डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही वो कॉन्सिक्यूटिवली उसको डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। जैसा कि आप इमेज वन में देख पा रहे हो कि सोर्स से जो है वो लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड हो रही है एरिया में, लेकिन वो जो लाइट है वो डिटेक्टर जो है वो रिसीव नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। और अगर हम इमेज टू की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मोक यहाँ पर इंटर होता है, और जैसे ही स्मोक के पार्टिकल्स उस लाइट के ऊपर पड़ते हैं जो सोर्स से निकलते हैं तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वो जो लाइट है वो जाते हैं डिटेक्टर की तरफ, और डिटेक्टर उस लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही वो डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है लाइट स्कैटरिंग टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर है वो काम करता है। हीट डिटेक्टर यानी कि होता क्या है, हीट डिटेक्टर जो है वो प्रॉपर्टी सेफ्टी सेंसर होता है, यानी कि हमारे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, उसके लिए जो हम सेंसर लगाते हैं उसे हीट डिटेक्टर कहते हैं। अब ये जो हीट डिटेक्टर है ये रिस्पॉन्ड करता है हाई टेम्परेचर में, और ये जो हाई टेम्परेचर है ये प्रेजेंट होता है तभी जब आग लगती रहती है। हीट डिटेक्टर का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर रूम में किया जाता है, जहां पर स्मोक डिटेक्टर अगर हम लगाते हैं तो वो जो स्मोक डिटेक्टर है वो फाल्स अलार्म वहां पर दे सकता है, इसलिए हम वहां पर हीट डिटेक्टर जो है वो लगाते हैं। हीट सेंसर जो है वो ज्यादातर ज्यादा टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में जब भी आग लगती है एज कम्पेयर टू स्मोक डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर जो है वो तभी काम करता है कि जब आग से निकलने वाला जो हाई टेम्परेचर है वो ये हीट डिटेक्टर जो है वो सेंस कर लेता है, या फिर उस आग से निकलने वाला जो टेम्परेचर है वो अगर सडनली इंक्रीज हो जाता है तभी हीट डिटेक्टर जो है वो काम करता है। अब इस हीट डिटेक्टर के भी जो है वो मेनली दो टाइप्स आते हैं, उसमें सबसे पहला आता है फिक्स्ड हीट डिटेक्टर और दूसरा आता है रेट ऑफ राइज यानी कि ROR हीट डिटेक्टर। तो चलिए अब जानते हैं कि फिक्स हीट डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो फिक्स हीट डिटेक्टर यानी कि ऐसा डिटेक्टर जो रिस्पॉन्ड करता है अनयूजुअली हाई टेम्परेचर को, यानी कि असामान्य रूप से जो हाई टेम्परेचर होता है उसको वो रिस्पॉन्ड करता है, उसे फिक्स हीट डिटेक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फिक्स हीट डिटेक्टर जो है वो एक्टिवेट हो सकता है जब उसका जो सेंसर है वो सेंस करेगा टेम्परेचर अगर 135 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा या फिर उससे भी ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में फिक्स हीट डिटेक्टर जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि रेट ऑफ राइज यानी कि ROR हीट डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो ये एक ऐसा हीट डिटेक्टर होता है जो रिस्पॉन्ड करता है कि टेम्परेचर में अगर सडनली अगर इंक्रीज अगर होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर सडनली इंक्रीज अगर हो जाएगा तो उस वक्त ये रिस्पॉन्ड करता है, उसे रेट ऑफ राइज हीट डिटेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेट ऑफ राइज जो हीट डिटेक्टर है वो एक्टिवेट होता है जब वो सेंस करेगा टेम्परेचर अगर सडनली इंक्रीज अगर होता है वो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे भी ज्यादा, वो भी सिंगल मिनट में। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि कुछ जो हीट डिटेक्टर्स आते हैं वो दोनों ऑफर करते हैं, जिसमें फिक्स टेम्परेचर सेंसर भी होता है और रेट ऑफ राइज टेम्परेचर को डिटेक्शन करने का भी उसमें सेंसर होता है। फ्लेम डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो फ्लेम डिटेक्टर ये एक सेंसर है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि फ्लेम हो या फिर फायर हो उसका प्रेजेंस वहां पर है क्या, तो उसका अगर प्रेजेंस वहां पर रहेगा तो उसको डिटेक्ट करने का और रिस्पॉन्ड करने का जो काम है वो फ्लेम डिटेक्टर का होता है, और वो अलाउ करता है फ्लेम डिटेक्शन को, यानी कि फ्लेम को डिटेक्ट करने का जो काम है वो इसका होता है। फ्लेम डिटेक्टर जो है वो जल्द से जल्द और मोर एक्यूरेटली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है एज कम्पेयर टू स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर। फ्लेम डिटेक्टर के मेनली टू टाइप्स होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर जिसे हम IR कहते हैं, और दूसरा आता है अल्ट्रावायलेट फ्लेम डिटेक्टर जिसे हम UV कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर जो होता है वो सेंसेस करता है लाइट को एट द एक्सट्रीम लेवल पर, यानी कि लास्ट का जो एंड होता है लाइट स्पेक्ट्रम का उसको वो सेंस करता है। फ्लेम में अगर फ्लिकर होता है यानी कि जो फ्लेम है वो टिमटिमाता है तो उस फ्लेम को भी इंफ्रारेड जो डिटेक्टर है वो अच्छे से सेंस करता है। इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर को हम डायरेक्ट सनलाइट और इलेक्ट्रिक हीटर के नजदीक इंस्टॉल नहीं करते हैं।
खास तौर से इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर जो है वो 3 से 5 सेकंड में रिस्पॉन्ड करना चालू कर देता है। चलिए अब जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट फ्लेम डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो अल्ट्रावायलेट जो डिटेक्टर होता है वो क्या करता है कि जब इग्निशन होता है तो इग्निशन के तुरंत बाद वो इमिट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। तो उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो डिटेक्ट करता है और इस प्रकार वो काम करता है। ये डिटेक्टर जो है वो फायर्स और एक्सप्लोजन को 3 से 4 मिलीसेकंड में ही डिटेक्ट करता है, ऐसी उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन उसमें 2-3 सेकंड का जो है वो टाइम डिले हो सकता है, जिसमें आता है कि वो फॉल सिग्नल को मिनिमाइज करता है जो ट्रिगर हो सकते थे अल्ट्रावायलेट सोर्सेस के कारण, जैसे कि लाइटनिंग हो या फिर सनलाइट हो, उसके कारण वो ट्रिगर हो सकते थे, तो वो जो फॉल सिग्नल है उसको वो मिनिमाइज करता है। तो इसकी वजह से 2-3 सेकंड जो है वो उसमें टाइम डिले हो जाता है। सनरेज का और आर्टिफिशियल रेज का अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क का उसके ऊपर इफेक्ट होता है। इसलिए जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग चलती रहती है तो वहां पर हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने जाना कि फायर डिटेक्टर क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, उसके क्या टाइप्स है, हीट डिटेक्टर क्या है, उसके क्या टाइप्स है, और फ्लेम डिटेक्टर क्या है, उसके क्या टाइप्स है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।